इस बार तो खाट खड़ी समझो। वो बोलेंगे मेरी बहन, माताओं बहनों वोट नहीं दोगे मुझे? नहीं अच्छी लगती है, बहन के घर में भी उसका परिवार है, वो परिवार भूखे मरकर भाई के घर का नहीं कर सकती, वो बहन का भी खुद का परिवार है, सभी बहनों का परिवार है। साले वैक्सीन से तो नहीं मरते लेकिन इनके त्रास से मरते, यही कोरोना है, सबसे बड़ा कोरोना यही है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका इलाज यही है, उसको कुर्सी से हटाओ, यही उसका इलाज, तभी समझ में आएगा कि मैंने जो किया ये नवरात्रि करने से कुछ नहीं होता। भगवान ऐसा नहीं कहते किसी का गला दबा के कुर्सी बचाओ, किसी का गला छोड़ के कुर्सी बचाओ तो भगवान उसकी कुर्सी खुद बचाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सालों की नीति में ही खोट है। गुजरात मॉडल पे सवार होके 2014 में मोदी जी भारत के गद्दी पे आसीन हो गए, उसी गुजरात मॉडल की ये सच्चाई पेश करती हुई महिलाएं हैं। और किस तरह से 2000 रुपये इनको दिया जाता है और इनके भाषा में अगर कहूँ तो जानवर की तरह पूरे दिन दौड़ाया जाता है, और ये सब गुजरात से आई हुई महिलाएं हैं, ये देख रहे हैं, ये सब गुजरात से आई हुई आशा वर्कर हैं जो अपने हक के लिए यहाँ बैठी हुई हैं, पूरे दिन से चिल्ला रही हैं यहाँ पे, लेकिन कोई मीडिया इनको दिखाने वाला नहीं है, ना कोई इनका सुनने वाला है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि केंद्र में इन्हीं के पीएम यानी कि इनके गुजरात के पीएम सीएम, ये गुजरात भी बीजेपी का राज है वहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं इनका कोई सुनने वाला है, पूरा दिन हो गया बैठे बैठे। हाँ तो आवेदन पत्र लेने भी कोई बाहर नहीं आया, आवेदन पत्र तो लेने आना ही पड़ेगा और जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। आवेदन पत्र लेने कोई नहीं आता, वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है वो हाथ में ले लेता है। हाँ। आप लोग तो पहली बार आई है, हम लोग यहाँ रोज देखते हैं। हाँ। आवेदन पत्र जिसको आप बोलती है वहाँ पे एक काउंटर खुला हुआ है, उस काउंटर में डाल दो, बस हो गया आपका काम खत्म, वहाँ कोई आपसे मिलने के लिए नहीं बैठा, न मोदी जी मिलने के लिए बैठे, ना अमित शाह मिलने के लिए बैठे। वो तो वोट मांगने आता है तब तो सबके घर में जाते हैं, फिर तो कुछ देखते नहीं है खाता है कि नहीं खाता है, वोट के टाइम में भीख मांगने आते कि नहीं, कटोरा लेके दे दो भाई दे दो भाई दे दो, फिर क्या करते है वो भी पता है। मेरा मुँह मत खुलवाओ, नहीं मुँह खोलिए आप, मैं चाहता हूँ मुँह खोलिए आप, जब तक हमारा फैसला नहीं आएगा तब तक कोई कुछ काम, आरोग्य का कोई काम होगा ही नहीं, कोई माहिती नहीं मिलेगी, कुछ भी काम हम करने वाले नहीं है। वो कहेंगे सबको हटा दूंगा, हटा दो, कोई सबका राज चलता है क्या, कहीं हटा देंगे एक साथ में, राज तो चलता ही है, उन्हीं का राज चलता है, सबको एक साथ हटाने का कोई बात ही नहीं है, इतनी कोई की किसी की भी ताकत नहीं है, औरतों के सामने किसी की चली है, यस औरतों के आगे किसी की चली है, वो भी नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा जी साक्षात बैठी हुई है हमारे साथ, रणचंडी है सभी, कुछ नहीं चलने वाला, दाल गलने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है, किस कुकर में सीटी लगाना पड़ेगा, कुछ भी खाने का वो सोडा भी डालो तो भी नहीं चलेगी, तो भी नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगी, पूरा गैस का बोतल भी खत्म, दाल तो चलने वाली। गुजरात मॉडल के नाम पे मोदी जी ने तो दाल गला लिया अपना, वो तो कैसे गलाई है सबको बताए, उसका हिसाब ऊपर होता ही है। अच्छा जब होगा ना तब तो देखने लायक जैसा होगा, देख रहे हैं कितना परेशान बैठी है मैडम, बिल्कुल भरी पड़ी है, इसलिए थोड़ी अभी जो फटेंगी तो एकदम भरी पड़ी है अभी गुजरात मॉडल। सब कैसे है सब पता है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने काम से ही लेना देना है, बस पैसा भी नहीं था, वो ये जुमके सब रख, अब हिंदी आ गया, हिंदी आना ही था, अब हिंदी निकल रहा, आपको देख के हिंदी आ गया, अरे वाह अभी हिंदी निकलने लगा, देख रहे अभी हिंदी निकलने लगा, तो ये है गुजरात मॉडल, देख रहे हैं हम, पहले मैडम की हिंदी नहीं आ रही थी, अब तुरंत हिंदी आ गई, हमारे भैया जी ने सिखाया तो हम सीख गए। अच्छा कौन से? नहीं बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी आपके भैया है, तो हमारे भैया ने सिखाया तो हम सीख गए। अच्छा। अब बहनों को तो उनकी तनख्वाह वो भैया को देनी ही पड़ेगी, तो सरकार चलाता है तो फिर उसको देना ही पड़ेगा, वोट देते है वोट मांगते है तो फिर हमारी भी मांगे तो पूरी होनी चाहिए ना, और हम काम करते है और वो हमारा हक है, हम कोई तो क्या बोलते हैं उसको थोड़े वो किसी के किराए पे पैसे नहीं मांग देंगे, भाई तू उधार दे दे कल तेरे को फिर वापस दे देंगे, उनके पास भीख नहीं मांगते, उनके पास हमारा हक मांगते। कोरोना में भी काम किया है हमने, हमारा नहीं सोचा हमने, हमारी कितनी आशाएं मर गई है, क्या सरकार ने उनको देखा, उसके बच्चे को देखने गए, वो वापस उसकी माँ लौटा सकते, पैसे दे सकते, माँ लौटा सकते, फिर उन बच्चों का क्या होगा, कभी देखने गए आप इनको, तो सब ना अपने काम से मतलब है, तो हमें भी अपने पैसे से ही मतलब है, हमें और कोई लेना देना नहीं है।
मुफ्त का काम नहीं करते, इसको डेंगू हो गया, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, सभी हमें ही काम करना पड़ता है। और 2000 में इतना काम कौन करता है भाई, कंपनी में भी 8 ही घंटे काम करते, ये तो 24 आवर्स काम करते हैं हम। इनकी जो एक दर्द है, थोड़ा सीरियस नोट पे, सही बात है, कोरोना में कितने आशा वर्कर्स के मौतें हो गई और कितने ऐसे महिलाएं के बच्चे होंगे जो अनाथ हो गए होंगे, लेकिन उनको आखिर मिला क्या? क्या यही गुजरात मॉडल था? और सिर्फ आशा वर्कर्स की बात नहीं है, कोरोना में डॉक्टर्स हो, नर्स हो, वो सब भी एक अलग बात है, लेकिन ये जो गांव-गांव गली गली घूम के सेवाएं करती रही लोगों को, घर घर जाके, चाहे वो वैक्सीनेशन हो चाहे कुछ भी हो, आज ये कितनी निराश होकर यहाँ पे बैठी हुई है। एक बार बताइए, जो जो बच्चे अनाथ हो गए, आप लोग इतना मेहनत किया, जिसकी जो आप लोग यहाँ आज बैठी हुई हैं कोरोना झेल के भी, ये तो बहुत बड़ी बात है। 2000 रुपये में क्या होता है आज के वक्त में? कंपनी में भी इतनी नहीं, कंपनी में भी 300-350 रुपये रोज का देते हैं, 8 ही घंटे का काम होता है, ये 24 घंटे हम काम करते, सब पे GST लगा रखी है। गैस का बॉटल 1050 रुपये का आता है, फिर सब में GST लगा रखी है, फिर आम आदमी ये तनख्वाह ऐसे ये तो क्या खाएगा? फिर तेल के डब्बे के कितने भाव बढ़ गए, 3-4 हजार के रुपए तेल के डिब्बे के आते हैं। 2000 एक आदमी कमाएगा तो सबको खिलाए, कैसे खिलाएगा? दो कमाए तो भी घर नहीं चल सकता, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मोदी जी बोलते हैं बच्चों पढ़ाओ बच्चों, पर कैसे पढ़ाए, पैसे ही कहाँ है? जिसके बच्चे होंगे वही पढ़ाने का, समझेगा ना कितना पैसा लगता है? हाँ, उसको ही पता चलेगा। तो ये बताओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कैसे स्कूल की फीस हो, तो इस तरह से ये महिलाएं, देखिए गुजरात से आकर के और आशा वर्कर से अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हुई हैं और बड़े दर्द में जी रही हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आई हैं कि आखिर कौन इनकी सुनेगा। और माताओं और बहनों जो चिल्लाते रहते हैं वो कम से कम आके देखे, कई माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, वही हमारी सैलरी बताएगी। वो हमारे मोदी भैया है ना, गुजरात से आए इधर, उनकी बहनें भैया है, तो यहाँ क्यों बैठी हो जंतर मंतर, जाओ उनके घर पे, का भैया का नाम बदनाम कर रहे हो तुम लोग? बदनाम क्या, कहाँ कर रहे हैं हम तो हमारा हक लेने आए इधर। तो भैया भी बोलते हैं भैया जाओ, बहन भैया के पास जाओ, भैया तो बोला, वो लोग हमको बोलते हैं कि हमारी बहने हमारी बहने, तो आप नहीं बोलोगे हमारे भैया हमारे भैया? हम तो बोले कि आप नहीं बोलोगे हमारे बोले भैया, कि हमारे भैया ही तो है। गुजरात से इधर आए हम, हमारा हक लेने आए। लो भैया से हक लेने आई हो, जंतर मंतर पे आप बैठी हुई हो, आएंगे क्या? उनकी बहनों को मिलने आना ही पड़ेगा, गुजरात से आए हम। अच्छा, भैया को बुलाने के लिए यहाँ बैठी हुई हो आप, अब समझ में आया? नहीं, हमारी हमारे हक की लड़ाई के लिए आए, हमारा हक चाहिए, भैया से हमारा हक चाहिए। चलिए, जोक से पार्ट, मैं जरा इन लोगों को हल्का भी करने की कोशिश करता हूँ बीच बीच में, क्या बहुत दर्द में बैठी हुई है और पूरे दिन ये चिल्लाती रही है अपने हक की आवाज़ के लिए। और मुद्दा ये है कि कोई, जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं या गोदी मीडिया कह लीजिए, आज के रेट में बड़े बड़े मीडिया, अगर इनकी आवाज़ दिखाए तो हज़ारों के तादाद में ये बैठी हुई हैं और जिस तरह से गुजरात मॉडल की सच्चाई ये पेश कर रही हैं, आखिर अब ये चिल्लाएंगी, कब तक चिल्लाएंगी? ये कह रही हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी नहीं जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी का जन्मदिन था तो मोदी जी बोलते आज मेरा जन्मदिन है, आज सभी को वैक्सीन सुबह से 6 बजे से रात के 12 बजे तक, कौन इतना बैठता है? फिर पैसे दिए उसके, वैक्सीनेशन इतना हम लोगों ने किया, कौन से पैसे दिए? खाने का भी नहीं पूछा कि चलो भाई हमारी तरफ से खाना भी आपको दिया जाएगा, क्यों? हम आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर को भी भूख लगती है, उसको भी खाना खिलाना पड़ता है। कोरोना वॉरियर कितना बढ़िया नाम दिया था, बस उसे भूख नहीं लगती, बोलते रहता है आई एम कोरोना वॉरियर, आई एम कोरोना वॉरियर, भूख नहीं लगती उससे। साले वैक्सीन से तो नहीं मरते, लेकिन इनके त्रास से मरते, यही कोरोना है, सबसे बड़ा कोरोना यही है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका इलाज यही है, उसको कुर्सी से हटाओ, यही उसका इलाज, तभी समझ में आएगा कि मैंने जो किया। ये नवरात्रि करने से कुछ नहीं होता, भगवान ऐसा नहीं कहते किसी का गला दबा के कुर्सी बचाओ, किसी का गला छोड़ के कुर्सी बचाओ तो भगवान उसकी कुर्सी खुद बचाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सालों की नीति में ही खोट है। जिसको देखो उसको भीख मांगे की तरह भीख मांगने आते, फिर कुर्सी पे बैठ जाते, फिर किसी का नहीं सुनते, किसी का कुछ नहीं करते, अभी 2024 भी पूरी नहीं कहो थी। अभी 2024 का इलेक्शन, वो गुजरात का इलेक्शन आ रहा ना, गुजरात का इलेक्शन आ रहा ना, आप लोगों को ऐसे किया जाएगा, ऐसे ऐसे किया जाएगा, वोट नहीं तो वोट नहीं, ऐसे ऐसे किया जाएगा, ये नोट देंगे तो ही वोट मिलेगा, इस बार तो खाट खड़ी समझो।
वो बोलेंगे मेरी बहन, माता बहनों वोट नहीं दोगे मुझे। अच्छी लगती है, बहन के घर में भी उसका परिवार है, वो परिवार भूखे मरकर भाई के घर का नहीं कर सकती, वो बहन का भी खुद का परिवार है, सभी बहनों का परिवार है। और यहाँ तो कितनी बिचारी मासूम है जिसके पति को बिचारे कॉन्ट्रैक्ट में भी जॉब करते हैं, ये बहनों को कोई शौक नहीं होता, दिन में बच्चे छोड़ छोड़ के नौकरी जाती है, वैक्सीन में जाती है, बड़ी त्रासदी में बैठी है। और इसलिए मैं इनसे गुजरात मॉडल की सच्चाई पूछ रहा था, जिस गुजरात मॉडल पे सवार होकर 2014 में मोदी जी भारत के गद्दी पे आसीन हो गए, उसी गुजरात मॉडल की ये सच्चाई पेश करती हुई महिलाएं हैं। और किस तरह से 2000 रुपये इनको दिया जाता है, और इनके भाषा में अगर कहूँ तो जानवर की तरह पूरे दिन दौड़ाया जाता है। लेकिन जितनी भी सफलताएं मोदी जी गिनवाते हैं, खासकर वैक्सीन की बात करूँ, जो इतना वैक्सीन मैंने एक दिन में दे दिया, वो ये महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है उसमें। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज जंतर मंतर पे इस 35 डिग्री टेम्परेचर और 37 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के चिल्ला चिल्ला के थक रही हैं, लेकिन इनके भैया सुनने को राजी नहीं है। तो यही है गुजरात मॉडल। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई है, और दिखाइए सब तरह चारों तरफ, ये है गुजरात मॉडल की सच्चाई। और ये देखिए, आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में महिलाएं हैं यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, और पुलिस बल भी बैठी हुई है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ये है, ये सब आशा वर्कर्स हैं।